भाई बंदा ही नीचे। एनिमीज अहेड। तो गाइस आज है 1 मई 2021 और आज मैंने आपसे प्रॉमिस कर रहा था कि अपना व्लॉगिंग चैनल तो अनाउंस कर ही दूंगा, लेकिन यार देखो कोरोना और लॉकडाउन दोनों के चक्कर में भाई कुछ हो नहीं पाया। ऐसा नहीं है कि यार मैं कंटेंट नहीं डाल सकता, कंटेंट रोज डाल सकता हूँ, लेकिन यार एक कुत्ता खरीद के लाओ उसको बोलो भाई हक दे फिर मैं साफ कर लूँ और गाइस बोलूंगा अरे गाइस यार देखो क्या साफ किया है भाई, देखो चमचमा रही है ना, तो यार ये कंटेंट नहीं मेरे को पसंद यार। मेरे को कुछ नया करना था, कुछ सही करना था बहुत अच्छा, बट क्या ही बोलूं यार। ओके तो यहाँ पर तीन बंदे डाउन हो जाते हैं और भाई एक से एक ट्रिक यहाँ पर मेरे को पता है भाई, अपार्टमेंट की इतनी ट्रिक निकालता हूँ ना। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो भाई फटाक से लाइक कर दो और हाँ गाइज अपन ब्लॉगिंग वाले चैनल का कुछ करते हैं ठीक है, कंफर्म अभी नहीं कर सकता बिकॉज बहुत मेरे को लग रहा है लॉकडाउन बढ़ने वाला है। और यार यहाँ पर चौथा बंदा नाम देख रहे हो हॉट बॉट यानी कि गरम हाजमोला। खैर अभी यहाँ पर इस स्क्वाड के निपटती एक और स्क्वाड आती है, एक और के बाद एक और आती है और देखो ध्यान से सुनो। अब गाइस मेरे सामने वाले बिल्डिंग से स्कारल चलती है और बड़ी वाली बिल्डिंग पे भी बंदा था तो मैं समझ जाता हूँ, तुरंत समझता हूँ खिलफिट देखकर कि भाई यहाँ पर कुछ घपला हुआ है, यानी कि बड़ी वाली बिल्डिंग का जो बंदा है वो अलग है और सामने वाली बिल्डिंग के जो मतलब अभी मेरे ठीक राइट, अभी ठीक मेरे पीछे, अभी ठीक मेरे सामने, अभी ठीक मेरे पीछे, मतलब समझ गए ना कहाँ वाली बिल्डिंग, वहां पे जो बंदा है वो अलग बंदा है। और यार यहाँ पर मेरी समझदारी से मेरे को एक किल मिल जाता है। खैर अभी खतरा टला नहीं है, आप किसी का किल चुराओगे और वो बोलेगा भाई ले जा ऐसा नहीं चलता यार, तो अभी वहां से बंदे आएंगे पूरे जोश में हमारे ऊपर रश करने, बट तुम्हारा भाई भी तैयार है, ट्रिक लगा रहा है, छत के ऊपर जा रहा है क्योंकि मेरे को पता है भाई अभी ग्रेनेड की बरसात होने वाली है। एक चचा हमारे सामने की तरफ है भाई, वहां से पूरा एंगल मिल रहा है इसको, लौंडा बहुत चला के यार। वॉच आउट। तो ये ग्रेनेड देखा, थोड़ा सा अगर हल्का सा पीछे रहता ना भाई तो मेरा काम खत्म हो जाता। खैर अभी बंदे तैयार हो चुके हैं हमारे ऊपर रश करने के लिए, मैं भी तैयार हूं उनकी भुजड़ी बनाने के लिए, मोलोटोव लिया है हाथ में, जैसे आएंगे ना भाई जला के राख कर दूंगा। तो यार यहां पर ये बंदे निपट जाते हैं और इसके बाद मेरे को लगा कि भाई कुछ नहीं होगा, सब कुछ शांत हो चुका है, लेकिन एक आवाज आती है। ओके तो यहाँ पर ये बंदा अकेला था, आराम से निपट जाता, मैं भी आराम से लूट करते रहता हूँ कि यहाँ पर दिक्कत बढ़ने वाली है।
अब यार यहाँ पर पूरी कोशिश तो कर रहा था बंदों को निपटाने के लिए, लेकिन यार बहुत ही कम विजिबिलिटी थी, बंदे दिखाई ही नहीं दे रहे थे, एक तरह रेंडर ही नहीं हो रहे थे। 200 से 300 मीटर की दूरी है। खैर अभी यहाँ पर बंदे रश कर देते हैं। अब यार देखा गई सकल्टी मारे, पहला बंदा भी सोच रहा होगा यार मैं तो फालतू में हीरो बना यार, क्यों मैं आगे गया। खैर अभी यहां पर ये बंदे नीचे है, मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा ट्रिक लगाते हैं, ट्रिक लगाकर बंदों को निपटाते हैं। लेकिन अरे नहीं यार क्या बोलूं यार गाइस, यहां पर नाम देखो यार, लड़की थी और लड़की हम दोनों को निपटा जाती है, और क्या बोलूं भाई बहुत अच्छा खेली। खैर अभी यहां पर एक और मैच लगाता हूं और ये सीन देखो, उधर ही उधर तक दौड़ते हैं, ऑफिस से बंदा आ रहा है मेरे को मारने, तुम हाथ में Watch out! Oh यार 7 का एमओ इतना है और डीपी। All right, तो यार यहां पर ये बंदे निपटते हैं। और गाइज मेरे को मेरा सबसे पसंदीदा कपड़ा यहां पर पेटी में से मिलता है यार, ये मेरे को काफी ज्यादा पसंद है, इसके लिए मैंने कम से कम 20 क्रेट खोले बट भाई कुछ नहीं मिला। मतलब महीनों तक जमा करो स्क्रैप से, मतलब सिल्वर कॉइन से स्क्रैप बनाओ, स्क्रैप से कूपन, बट कुछ मिलता ही नहीं यार, ये चीटिंग है भाई। और ये भी दिखा रहा था कि ऑर्डर उठा लिया है कि उन लोगों ने, और कहां तक पहुंचा ये भी बताता है। अब यार ये बंदा यहाँ पर तपस्या में लीन था, सोचा था कि मेरी प्रार्थना स्वीकार होगी और मेरे को वरदान मिलेगा, एमओ मिलेगी, गन मिलेगी, लेकिन गोली मिल जाती है, बंदा निपट जाता और उतने में ही एमजी की आवाज आती कि भाई ब्रिज कैंपिंग चल रही है, बचा ले मेरे को। तो चलो यार उड़कर चलते हैं, देखते हैं एमजी को कौन परेशान कर रहा है। किस्सा हो गया सामने भी बंदे, मैं कुछ नहीं बोल रहा, किस्सा हो गया सामने भी बंदे, बोला घास में सोया है एक पीछे पर भंगिया भाई, भाई कटका दिया था भाई, पीछे जाएगा नहीं थी आगे, कौन से पहाड़ पे जाना है मेरे को। इनकी बताएगा लोकेशन ना भाई, तो यहां पर पहला बंदा जाता है लेकिन एक और बंदा है जैसा कि एमजी ने कहा। तो चलो यार दूसरे बंदे को ढूंढते हैं, लेकिन हाजमोला है सामने की तरफ, चलो उसको भी निपटाते हैं। इसाला बहुत मेरा किल ले रहा है, अरे लोग कहीं और से पड़ रहा है। बहुत मेरा किल ले रहा है, हाँ मिल गया, और इसी के साथ यहां पर काम खत्म हो जाता है। वैसे यहां से निकलते हैं और गाइस आज का बिहाइंड द सीन बहुत ज्यादा ओपी है, देखना बंदों को कैसा येड़ा येड़ा बनाकर निपटाया। बट अभी तो आप लोग चिकन डिनर का वेट करो, चिकन डिनर के बाद अपन बढ़ेंगे बिहाइंड द सीन की तरफ। बट यहां पर ड्रॉप मंगाया था बंदों ने, हम लोग ब्रिज कैम्प करने के लिए रुके थे, काफी सारे बंदे निपट गए थे, यही बंदे बचे थे। तो अब मैंने सोच लिया था भाई जोन के बाहर जाके मारूंगा ना, लेकिन इन बंदों को तो निपटाऊंगा। और यहां पर गन
एक झाड़ के कोने में ही है, पिक ले रहा है। ऑलरेडी हो गई एक झाड़ के कोने में ही है। अब यार यहाँ पर दो बंदे बचे और दोनों के दोनों बंदे पेड़ के पीछे हैं, तो यार ऐसे तो यहाँ से निपटा नहीं सकता। तो चलो यार चलते हैं रोटेशन देकर, देखते हैं क्या होता है। और गाइस इसी के साथ यहां पर हो जाते हैं मेरे 12 किल। भाई बहुत ज्यादा है मेरे को पता है, बट क्या करे यार बंदे मिल ही नहीं रहे थे। ओके तो यहां पर आखिरी बंदे स्पॉट हो जाते हैं, काफी देर से हम लोग ढूंढ रहे थे। लेकिन और यहां पर प्रशील बोलता है कि नॉक करूं क्या इस नोबड़े को, तो ये देखकर मैं बोलता हूं नॉक क्यों करेगा मेरे भाई, चल जाकर फिनिश करते हैं। और यहां पर देखना प्रशील क्या ही नॉक करेगा बंदे को। आगे स्वाद ओके तो एक बंदा फिनिश हो जाता है, एक बंदा नॉक हो जाता है और बाकी के जो दो बंदे बचे हैं वो बिजी होंगे, थोड़ा ध्यान देंगे कि भाई मेरा पंटर पहले रिवाइव हो जाए। तो यहां पर सबसे पहले मैं अपना पंटर रिवाइव करता हूं, वो बंदा अपना पंटर रिवाइव करेगा और उसके बाद देखते हैं कि चिकन डिनर कौन ले जाता है। अब यार ये भाई कैसा ग्रेनेड था, बहुत ज्यादा हैवी ग्रेनेड था। खैर बंदा निपट जाता है, अपन रिवाइव हो जाता है और आखिरी बंदा यार यहां पर भी नहीं था। तो काफी देर से उसको ढूंढते रहता हूं, ढूंढते ढूंढते ढूंढते। आप एक बात मत भूल जाना कि बिहाइंड द सीन बाकी है चिकन डिनर के बाद। तो अब कुछ देर बाद मेरे को बंदा स्पॉट होता है और ये देखो क्या होता है। तो गाइस फाइनली यार ये था आज का चिकन डिनर, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। किल बहुत कम हुए लेकिन यार क्या कर सकते हैं, रोज तो पार्टी नहीं हो सकती ना। तो अब यहाँ पर देखो बराबर है। किल चुरा लिया क्या हमें? जिन बंदों के निपटने के बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बंदों को देखो कैसा येड़ा बना के निपटाऊंगा, तो अब बारी आ चुकी है। सीन कुछ मैं आपको समझा देता हूं। मैं छत के ऊपर था, सामने की तरफ थे बंदे, चारों ओर से हम लोग को घेर लिया था, उनके पास थी स्नाइपर, अच्छी अच्छी गन। मैं डेविल को बोलता तू नंगा हो जा, यानी कि हेलमेट वेलमेट निकाल दे और गोली खा, और उसके बाद मैं इन बंदों को निपटाऊंगा। तो देखो क्या होता है। अरे ये तो पास में आ गया, ऊपर से पड़ेगी, पक्का पड़ेगी। ये सब उछल उछल के आ रहे हैं। ओके तो पहला हीरो गया। और ये दूसरा हीरो गया, बट ग्रेनेड देखा भाई का, क्या ही ओपी ग्रेनेड यार, मतलब डेविल को निपटा गया। खैर अब जाता हूं डेविल को रिवाइव देने, लेकिन सामने वाला बंदा है उसको फिनिश करना है। तीन बंदे कुल मिलाकर बचे हुए हैं।
और गाइस यहाँ पर दूसरे हीरो को फिनिश करता हूँ, लेकिन अभी दो हीरो बचे हैं और वो कहाँ पर है बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अपने पास है हैक। हैक कैसा है आपको बताऊं, डेविल को खड़ा करना है बिना हेलमेट वेस्ट के और डेविल नॉक होगा तो बंदे की लोकेशन पता चलेगी। डेविल आगे जाता है और देखो क्या होता है। और यार यहाँ पर डेविल वापस से नॉक होता है। अब बंदों को लग रहा है कि वो इनको नॉक कर रहे हैं, लेकिन इनको खुद नहीं पता कि डेविल खुद से नॉक हो रहा है और इनके नॉक होने का रास्ता बना रहा है। खैर अब यहाँ पर डेविल को रिवाइव देते रहता है क्योंकि बंदा दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बोला भाई ये क्या है यार, ये तो चीटिंग है, बंदे काफी ज्यादा चलाक थे। मैंने डेविल को बोला वापस से एक बार फिर से नॉक हो जाए मेरे भाई। और ये देखो यार, लगातार तीसरे बंदे को येड़ा बना। इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये येड़ा बन रहे, लेकिन इनको पेड़ा खाने का बहुत शौक है। खैर यहाँ पर एक और बंदे का यानी कि तीसरे बंदे का पेटी बनाता हूँ। सोचा कि यार ग्रेनेड करके निपटाता हूँ, लेकिन यहाँ पर हर बार आप जो चाहते हो वो पूरा नहीं होता तो बंदूक से निपटाना पड़ेगा। खैर तीसरे बंदे की पेटी बनती है, चौथा बंदा राइट साइड रोटेशन मार देता है लेकिन पता नहीं चलता कहाँ पर है। लेकिन थोड़ी देर बाद हल्की देर बाद पता चल जाता है कि भाई बंदा कहां पर है। सो यहां पर बंदा स्पॉट हो जाता है, बट यहां से दिखाई नहीं दे रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा और ऊपर जाते हैं, हल्का सा पीछे जाते हैं, हल्का सा और पीछे जाते हैं, पूरा ही पीछे जाते हैं और बंदा स्पॉट होता है। और यहाँ पर बंदे के पास थी MK-14 और डेविल को पूरा भर देता। खैर अभी मैं बचाऊं। तो गाइस फाइनली यार ये था आज का चिकन डिनर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आपने जो वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच।